एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ा सा ओल्ड चंगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन था। तो ओल्ड चंगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है आपसू प्रेसिडेंट को एक लेटर दिया कि यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो लोग डीएसयू के बारे में अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप लोग डीएसयू इलेक्शन कराना चाहता था इंटरिम कमिटी फॉर्म करके। इस सिलसिला में चंगलांग डीएसयू जो आपसू प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि हम लोग का डीएसयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डीएसयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का, और जो भी इंटरिम कमिटी फॉर्म कर रहा है वो लोग जो गलत है, वो लोग सेल्फ स्टाइल में कर रहा है, और वो लोग जो चंगलांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन से कोई एफिलेटेड भी नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं है, ऐसा बोल के आपसू प्रेसिडेंट को चंगलांग डीएसयू ने लेटर लिखा। तो आपसू प्रेसिडेंट का थ्रू से हमको चंगलांग भेजा गया कि वहाँ का चीज़ क्या है। तो यहाँ पे हम आके देखा कि चंगलांग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और चंगलांग डीएसयू में कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंगलांग डीएसयू जो है यूजली जो चलना था चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ का चंगलांग का पब्लिक को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए ऑल चंगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का चंगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को कोई भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरप नहीं कर सकता है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, और वो जो कोई भी प्रकार का डीएसयू को इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। इसलिए चंगलांग का पब्लिक से मेरा अपील है कि आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। चंगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चमतू है और ये इसका लीडरशिप में चलेगा, और कोई दो राय नहीं है। और हम लोग का आपसू का तरफ से भी क्लियर का डायरेक्शन है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट चिंतू तंगहंग है, चिंतू का अंदर में जो भी चलना है चलेगा। इसलिए कोई यहाँ में दो राय नहीं है, और पब्लिक को मैं दोबारा अपील करता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन होने का इसमें कोई चीज़ नहीं है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। और कल को यहाँ में अपना सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप जो डीएसयू इलेक्शन कराता भी है तो हम लोग उसको आपसू कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग का सेल्फ इंटरेस्ट वाला ग्रुप को हम लोग आपसू मानेगा नहीं है। हम लोग का चंगलांग में डीएसयू ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, सही ढंग से एकदम प्रॉपर वे से चल रहा है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चंगलांग वासियों को जितना भी पब्लिक्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को मैं क्लियर मैसेज देता हूँ कि यहाँ में कोई दो तीन चंगलांग डीएसयू नहीं है, हम लोग का ऑलरेडी चंगलांग में डीएसयू है और उसको ही हम लोग रिकॉग्नाइज करता है। आपसू का तरफ से हम लोग चंगलांग का डिप्टी कमिश्नर को भी हम लोग क्लियर कर लेटर लिखा है, और हम कुछ डीसी को मिल के भी आया कि हम लोग का यहाँ में कोई दो डीएसयू नहीं है, हम लोग का यहाँ में एक ही डीएसयू है, वेल इस्टेब्लिश डीएसयू, और कोई भी प्रकार का काल को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्रकार का सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप हो, डीएसयू इलेक्शन कराएगा, कोई भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने से वो हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है बोल के हम लोग डीसी को भी क्लियर कट नोटिस लेटर लिख के आया। हम खुद पर्सनली डीसी को डिस्कस मिल के आया। ओल्ड चंगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो हमारा आपसू का फेडरेटिंग यूनिक है, इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीएसयू का कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है आर्टिकल 13 क्लोज क्यू में यहाँ पे क्लियर कट लिखा है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कोमा क्राइसिस डिसॉल्व और डिफंग ऑफ एनी पर्टिकुलर डीएसयू ड्यू टू इंटरनल क्लास एंड इंटरनल फ्रैक्शन 1 month टाइम शैल बी गिवन टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स विद इन द कंसर्न डीएसयू लीज द प्रेसिडेंट आपसू विथ ड्यू कंसल्टेशन विथ जनरल सेक्रेटरी एंड सीएमसी आपसू शैल हैव द राइट टू इंटरफेयर बाय constituting a 3-member interim committee from executive member of APSU to examine the case। यहाँ पे क्लियर है कोई भी डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम होता है, हमारा APSU बायलो में क्लियर कर लिखा है आर्टिकल 13 क्लोज क्यू में कि वो लोग जो है APSU का पास में आना है। अगर ये लोग को हम जैसे अभी लास्ट टाइम जो तंगसा स्टूडेंट यूनियन था, तुत्सा स्टूडेंट यूनियन था और सिंफो स्टूडेंट यूनियन था, वो लोग ने प्रेस ब्रीफिंग किया है कि हम लोग वो लोग को भाई लोग को हम लोग अच्छा लगता है
कि वो लोग आप लोग जो है तंगसा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, तुत्सा का है, सिंगपो का है, हम लोग है जो आपसु, हम लोग सब कम्युनिटी को कोऑपरेट करता है। आप लोग अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट के लिए, कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए काम कीजिए। अननेसेसरीली आपसू का, डीएसयू का प्रॉब्लम में दखल अंदाज नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि हमारा आपसू का बायलो में ये लिखा नहीं है। जैसे अभी हमारा मेरा आपसू का भी टेन्योर जो पार हो गया और ऑलमोस्ट हमारा डीएसयू का भी टेन्योर जो पार हो गया, हम लोग कोई वो नहीं है कि हम लोग को आपसू का टेन्योर को और रखना है, डीएसयू का टेन्योर को और रखना है, ऐसा हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं है, किसी का भी इंटेंशन नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक का कारण से बैठा हुआ है, और जैसे ही पेंडेमिक नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग का डीएसयू का इलेक्शन, आपसू का इलेक्शन भी हैज यूजली हम लोग जैसे नॉर्मल हो जाएगा उसमें हम लोग इलेक्शन करा देगा। क्यों नहीं कर रहा है डीएसयू इलेक्शन, क्यों नहीं कर रहा है, आपका टेन्योर खत्म हो गया, तो ये जो बहानाबाजी है, क्योंकि ये जो है पेंडेमिक के कारण से हम लोग रुका हुआ है। अगर पेंडेमिक नहीं होता तो पहले ही डीएसयू इलेक्शन भी हो जाता, आपसू इलेक्शन भी हो जाता, तो इसका पेंडेमिक के कारण से हम लोग इलेक्शन थोड़ा डिले हो रहा है।